बड़ी खबर मिल रही है वो हम आपको बता देते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि आज अक्षरधाम मंदिर में जाने की इच्छा उन्होंने उसी दिन जाहिर कर दी थी जब हिंदुस्तान की सरजमी पर उन्होंने कदम रखा था, अब उनकी तस्वीरें भी सामने आने लगी है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। आपको सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले इस तस्वीर में दिखाई देगी चाक चौबंद, क्योंकि अभी जानकारी ये मिल रही है कि ऋषि सुनक यहाँ पर पहुंचेंगे अक्षरधाम मंदिर के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको दूर दूर तक दिखाई देगा कि यहाँ पर रूट डायवर्जन किया गया है, कोई गाड़ी यहाँ पर आ जा नहीं सकती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऋषि सुनक जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो आज अक्षरधाम मंदिर में जाने वाले हैं। ऋषि सुनक भारतवंशी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं वो ब्रिटेन के, और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहला ऐसा मौका आया है कि वो भारत की सरजमी पर आए हैं, यहाँ पर आते ही भारत में उतरते ही उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर कर दी कि वो अक्षरधाम मंदिर में जाना चाहते हैं। ये ऋषि सुनक से जुड़ी हुई इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सुरक्षा के चाक चौबंद जो इंतजाम है, अक्षरधाम मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। ये काफिला आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, हालांकि इससे पहले माना जा रहा था थोड़ा देरी से वो आएंगे, लेकिन तड़के सुबह आप देखिए तस्वीरों में ऋषि सुनक यहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीर इसको भी बयां करती है, ऋषि सुनक ने कोई देरी नहीं की है, वो सुबह सुबह अक्षरधाम मंदिर में पहुंच गए हैं। ये वही ऋषि सुनक है जो दीपावली के दिन अपने घर पर दिया जलाते हैं, जो जय सिया राम कहते हैं, बार बार हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, अपना हिंदुस्तान से जुड़ाव इससे पहले भी वो कई मौकों पर बता चुके हैं। और एक बार फिर से ऋषि सुनक हिंदुस्तान के साथ अपना जुड़ाव रखते हुए यहाँ अक्षरधाम पहुंच गए हैं। जो काफिला इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो ऋषि सुनक का है जो अक्षरधाम में आए हैं। और इसी से जुड़ी हुई इससे पहले भी हमने आपको अपडेट किया सुरक्षा के, जो अक्षरधाम मंदिर है उसके आसपास सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त पहले से ही कर लिए गए थे। इसी से जुड़ी हुई ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आज सुबह सुबह ये तस्वीर देखने को मिली है, अक्षरधाम मंदिर पहुंच गए हैं ऋषि सुनक, और उसके बाहर की जो पुख्ता व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है वो आप देखिए। ऋषि सुनक जब यहाँ पर पहुंचते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका स्वागत करते हैं, आपने देखा होगा जो और मेहमान थे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं, हाथ उनसे मिलाते हैं, लेकिन ऋषि सुनक जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें नमस्ते कहकर ऋषि सुनक का वो वेलकम करते हैं, और उसी अंदाज में ऋषि सुनक भी रिप्लाई करते हैं, नमस्ते कहकर वो आगे बढ़ते हैं। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, और ऋषि सुनक ने इससे पहले भी इस खूबसूरती को अपने मन में बसाए हुए बहुत बार दिखाया है। वो इससे पहले भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं, खुद बता चुके हैं, और ये तस्वीर एक बार फिर से दिखाती है कि हिंदुस्तान से जुड़ाव रखने वाला व्यक्ति चाहे किसी दूसरे राज्य में हो, दूसरे शहर में हो, या फिर किसी दूसरे मुल्क में हो, लेकिन उसके मन में हिंदुस्तान हमेशा रहता है। और यही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अक्षरधाम के बाहर जो काफिला पहुंचा है ये ऋषि सुनक का है। एक तस्वीर आप इस बात से भी अंदाजा लगाइए कि जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि थोड़ा दोपहर का समय हो सकता है जब वो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन इतनी सुबह वो पहुंच जाएंगे ये शायद उनके तय कार्यक्रम के मुताबिक नहीं है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें जो और भी सामने आएंगी वो भी आपको दिखाएंगे।